Good morning everyone, you are welcomed on Ambient Education Today online study platform. Today in this video we will discuss 9th class 3rd chapter, The Little Girl. As you know that we have discussed some parts the 4.5 part of this chapter, and so before starting this chapter I have a motivational quote for you. Pessimism leads to weakness. Pessimism leads to weakness. Optimism to power. मतलब हमारे अंदर क्या होना चाहिए, पेसिमिज्म या ऑप्टिमिज्म? यस आई थिंक यू यू फेवर ऑप्टिमिज्म. यस सो लेट्स स्टार्ट. कल हमने जो पढ़ा था लास्ट के अंदर, आप अपनी किताब खोलें साथ में ही और लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़ें. यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट करें, और साथ में जरूरी है कि आप अपनी, ये मस्ट है कि आप अपनी किताब को खोलें, ये कंपलसरी है. आप अपनी किताब के साथ पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर क्रिस्टल होगा. तो इसलिए लेट्स स्टार्ट. शी सेट ऑन अ स्टूल. तो हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो कहानी है वो एक छोटी लड़की की है जो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती है. क्यों डरती है? क्योंकि वो एक हार्ड हार्टेड और स्ट्रिक्ट पर्सन है, और उसका फिजिकल अपीयरेंस भी कुछ इसी तरह का है कि उसे डर लगता है. तो इसी तरह से जो लड़की है वो अपने पापा से डरती है, और तो क्या करती है वो, तो उसका नाम क्या है, केजिया. तो क्या होता है, एक दिन सी सेट ऑन अ स्टूल, कि वो एक स्टूल पर बैठ गई. जब उसको क्या किया गया, जब उसको दादी जी ने अपने पापा से संडे के दिन, अक्सर उसकी दादी है जो उसको संडे के दिन नीचे बुलाती है ड्राइंग रूम में, और वो उसे कहती है कि आप अपने मम्मी पापा के साथ गपशप करें, उनको समझें. और तो जब वो नीचे आती है तो क्या होता है, देखो, शी सैट ऑन अ स्टूल. तो वो नीचे आती है और वो स्टूल पर बैठ गई. ग्रेवली वॉच्ड हिम, और ग्रेवली मतलब सीरियसली उनकी तरफ घूरती रही, देखती रही. अनटिल ही वॉक, जब तक वो जाग नहीं गया तो वो अपने पापा की तरफ देखती रही. एंड स्ट्रेस्ड, और वो उठा. एंड आस्क द टाइम, और उसने समय पूछा. देन लुक्ड एट हर, और तब केजिया की तरफ देखा. डोंट स्टेयर सो केजिया, केजिया इस तरह से मत देखो. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एक छोटे भूरे उल्लू के जैसे दिखाई देते हो. यहाँ पर वो छोटी लड़कियों को कहता है उल्लू, मतलब बिना बात के ही, तो मतलब उसको डिस्करेज कर रहा है वो, एनकरेज करने की बजाय उसको डिस्करेज करता है. तो यही जो बात होती है पेरेंट्स के अंदर, कभी भी अपने बच्चों को डिस्करेज ना करें, उनको एनकरेज करें अच्छी बातें करने के लिए. तो वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, और एक दिन जब वह जुकाम की वजह से उसे घर के अंदर रहना पड़ा, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, तो उसकी दादी जी ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, इसके पापा का अगले सप्ताह बर्थडे है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. सिल्क मतलब रेशमी. तो उसने, उसकी दादी ने उसको सुझाव दिया, कि कहा कि उसे उसके लिए क्या बनाना चाहिए, एक गिफ्ट के रूप में सुंदर येलो सिल्क के पीस से एक पिन क्वेश्चन बनाना चाहिए. दादी जी ने यह सुझाव दिया, क्या बनाना चाहिए, पिन क्वेश्चन. क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि अगले सप्ताह उसके पापा का बर्थडे है, और वो उसको ब्यूटीफुल गिफ्ट के रूप में एज ए सरप्राइज उसको क्या दे, एक पिन क्वेश्चन दे. और उसे भी पिन क्वेश्चन किसके साथ बनाना चाहिए, एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क के साथ. लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स. अब लड़की ने अपना काम शुरू कर दिया, तो उसने बड़ी मेहनत से दोहरे सूती, कॉटन क्या होता है, सूती. लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड्स, तो उसने दोहरा जो सूती कपड़ा लिया और उसको तीन ओर से सील दिया. स्टिच का मतलब होता है सील देना. अब बट व्हाट टू फिल इट विद, अब तीन ओर से सील दिया, एक साइड उसने ओपन रखी, तो अब वो भरे किस चीज से उसको, दैट वॉज द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन था, ये उसके सामने एक सवाल क्या था, उसके सामने जो प्रॉब्लम क्या थी, उसने एक कॉटन तो लिया, मतलब एक सूती क्लॉथ तो लिया, लेकिन उसको तीन ओर से सिला तो भरे किस चीज के साथ. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी माँ अभी गार्डन में थी.
एंड सी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब होता है स्मॉल पीसेज ऑफ क्लोथ्स और पेपर। तो दादी माँ गार्डन में थी, तो सी मतलब केजिया है यहाँ पर, तो केजिया बाई चांस मम्मी के बेडरूम में स्क्रैप्स को ढूंढने के लिए चली गई। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। और उसे बिस्तर के पास रखी मेज पर कागज की कई सारी शीट दिखाई दी, मतलब कई सारे पन्ने दिखाई दिए। गैदर्ड देम अप, उनको इकट्ठा किया, टोर देम इन टू टेनी पीसीज, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा, एंड स्टफ हर केस, उसने जो केस बनाया था उसके अंदर डाल दिया। स्टफ का मतलब ठूंस देना, डालना। देन शूड अप द फोर्थ साइड, और तब उसने फोर्थ साइड को सील दिया, जैसे कि तीन साइड को उसने सीला था पहले और भरने गया, फोर्थ साइड को सील दिया। द नाइट वर अ ह्यू एंड क्राई, दैट नाइट देर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। उस रात घर में बहुत ज्यादा शोर शराबा हुआ। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है क्लैमर। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। पिताजी के द्वारा बनाया गया पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो महान भाषण था, जो ग्रेट स्पीच थी, वो गुम हो गई थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में तलाशी की गई। सर्वेंट्स क्वेश्चन, कम नौकरों से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजियाज रूम, और अंत में मम्मी है जो वो केजिया के रूम में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम। केजिया, मेरा विचार है, मेरे ख्याल से तुमने हमारे कमरे में मेज पर रखे पेपर को नहीं देखा। ओ यस सी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ, उसने कहा कि मैंने तो उन्हें मेरी सरप्राइज के लिए फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम्ड मदर। मम्मी चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। दिस इंस्टेंट मतलब एट प्रेजेंट, इसी समय सीधे डाइनिंग रूम में चले आओ। एंड सी वॉज ट्रैक डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे खींच कर नीचे लाया गया। ड्रैग ड्रैग होता है खींचना, ड्रैग डाउन मतलब खींच कर नीचे लाना। तो उसे खींच कर नीचे लाया गया, जहां पर उसके पिताजी अपने हाथ पीठ के पीछे किए चहलकदमी कर रहे थे, इधर उधर चल रहे थे। टू एंड फ्रो का मतलब होता है इधर उधर, इधर उधर। पेस का मतलब होता है स्ट्रोलिंग, तो यहाँ पर हो गया वॉक। टू एंड फ्रो मतलब चहलकदमी करना। तो उसे खींच कर वहां ला गया जहां उसके पिताजी अपने हाथ पीठ के पीछे किए और कमरे में जो है, सॉरी ड्राइंग रूम में जो है, इधर उधर चल रहे थे। वेल सी सेड साफ, ही सेड साफली, उसने बिल्कुल तेजी से कहा। ठीक है, मदर एक्सप्लेन, तो मम्मी ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और वह रुका। मम्मी ने बताया मतलब ये बात हो गई है, तो वह रुका और बच्ची की तरफ घूरा। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो 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 सी विस्पर्ड, और वो धीरे से बोली, चुपके से बोली, नो 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 नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम। माँ मतलब केजिया की दादी को कहा, माँ आप इसे ऊपर रूम में ले जाओ, एंड फेच डाउन द डैमिंग थिंग, और वो जो बुरी चीज जो बनाई है उसने वो भी लेकर आओ। एंड सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इस बच्ची को क्या कर दो, इसी समय, दिस इंस्टेंट, इसी समय बिस्तर पर लेटा दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, और बहुत ज्यादा समझाने के लिए रोते हुए, शी ले इन द शेडोड रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। तो वह बहुत ज्यादा समझाते हुए रोते हुए वह क्या हो गई, वह अपने छायादार कमरे में लेट गई, वॉचिंग द इवनिंग लाइट, और शाम की रोशनी को देख रही थी। मेक अ शेड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो कि फर्श के ऊपर उदासी से भरा हुआ छोटा सा डिजाइन बना रही थी। कौन? वो रोशनी, मतलब शाम का समय था, तो शाम के समय जो रोशनी थी फर्श पर पड़ रही थी, और एक
कमरे के अंदर उदासी छाई हुई थी, ऐसा लग रहा था, और केजिया अपने रूम में लेटी थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। और तब पिताजी अपने हाथ में एक डंडा लिए, अपने हाथों में डंडा लिए कमरे के अंदर आए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस ही सेड, उसने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने वाला हूँ। ओह नो नो, शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई, अरे नहीं, हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ्स, और वो बेड क्लॉथ्स के नीचे छुप गई। ही पुल्ड देम असाइड, और उन्होंने उस बेड क्लॉथ को खींच करके क्या कर दिया, एक और कर दिया, असाइड मतलब एक और, सिट अप योर, उसने आदेश दिया, बैठ जाओ, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ आगे बढ़ाओ, अपने हाथ आगे करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच वट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें हमेशा के लिए समझाना चाहिए होगा कि जो तुम्हें टच नहीं करना है, जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, भी जो तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है, तुम्हें उसे टच नहीं करना है, ये तुम्हें हमेशा के लिए समझा दिया जाना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन पिताजी ये आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, और जो डंडा था वो उसके छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा, और वो रोने चिल्लाने लगी। तो आज तक, आज हम इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। तो इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं अब। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन वट वेज डिड केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर्स बेटर। जो दादी माँ थी, जो ग्रैंड मदर थी केजिया की, वो केजिया को हर वक्त एनकरेज करती थी कि वो अपने पेरेंट्स को क्या करे, अंडरस्टैंड करे, उनको समझे, उनकी आइडियोलॉजी को समझे। तो किस तरह से वो एनकरेज करती थी, केजियाज ग्रैंड मदर एनकरेज हर टू गेट टू नो हर फादर बेटर बाई सेंडिंग हर टू द ड्राइंग रूम टू टॉक टू हर पेरेंट्स ऑन संडे। तो केजिया की जो ग्रैंड मदर थी, वो केजिया को हर संडे को ड्राइंग रूम में भेजती थी ताकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नाइस टॉक कर सके, गपशप कर सके और उनको समझ सके। एंड सी ऑल्सो सजेस्टेड केजिया टू मेक अ पेंट ट्यूशन आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क एज अ गिफ्ट फॉर हर फादर्स बर्थडे। और दादी जी ने उनको सजेस्ट किया था कि अगले हफ्ते जो है वो फादर का बर्थडे है, तो इसीलिए तुम्हें क्या करना चाहिए केजिया, तुम्हें अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए येलो सिल्क से एक पिन क्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से वो एनकरेज करती थी, मतलब ताकि जो बच्ची है वो अपने पेरेंट्स से दूर ना रहे और उनको वो बुरा ना समझे, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी मैंटेलिटी को समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम वेरी मच। हाउ डिड दिस हैपन, मतलब केजिया किन ने जो एफर्ट किया था अपने पापा को खुश करने का, तो वो उसको क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा वो डिसप्लीज हो गया, बहुत ज़्यादा वो दुखी हो गया, तो इसकी वजह क्या थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ वो, इसकी वजह क्या थी, एंड हाउ डिड दिस हैपन, तो ये कैसे हुआ। केजियाज एफर्ट टू प्लीज हर फादर रिजल्टेड इन डिसप्लीजिंग हिम ऑन एवरी संडे। हर ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्रॉइंग रूम टू हैव अ नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, बट हर प्रेजेंस ऑलवेज आइरिटेटेड द फादर। लेकिन कैसा होता था, दादी माँ तो भेज देती ड्राइंग रूम में, लेकिन जो केजिया की प्रेजेंस थी वो हमेशा पापा को क्या करती थी, आइरिटेटेड करती थी, गुस्सा दिलाती थी। ही यूज टू कॉल हर लिटिल ब्राउन आउल, और उसको वो एक छोटा भूरा उल्लू बोलते थे। वन डे हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट हर फादर्स बर्थडे वुड बी नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड दैट शी शुड मेक हिम अ पिन क्यूशन फॉर अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि एक दिन दादी जी ने केजिया को बताया कि अगले सप्ताह आपके पापा का बर्थडे है, तो आपको उनके लिए क्या बनाना चाहिए, एज ए गिफ्ट एक पिन क्यूशन बनाना चाहिए। आफ्टर स्टिचिंग थ्री साइड्स ऑफ द क्यूशन विद डबल कॉटन विद ग्रेट केयर एंड एफर्ट, तो केजिया ने क्या किया, केजिया ने एक कपड़ा लिया येलो सिल्क का और उसको तीन ओर से सिल लिया, जो डबल कॉटन का था, डबल कॉटन का दोहरा सूती कपड़ा लिया, बड़ी सावधानी से, बड़े एफर्ट से उसको तीन ओर से सिला। एंड केजिया वाज स्टक टू व्हाट टू डू फुल क्वेश्चन विद, अब केजिया जो थी वो इस उलझन में थी कि उसको किस चीज से भरा जाए। सिंस हर ग्रैंड मदर वाज बिजी इन द गार्डन, क्योंकि उसकी दादी माँ गार्डन में आउट थी, जैसा कि अभी हम समरी के अंदर पढ़ के आए हैं,
She searched her mother's bedroom for scraps. तो वो scraps के लिए, scraps मतलब जो small pieces होते हैं जैसे clothes के या फिर कपड़े के, sorry जो कागज के होते हैं, तो उनको ढूंढने के लिए वो मम्मी के बेडरूम में चली गई. और फाइनली शी डिस्कवर्ड शीट्स ऑफ पेपर ऑन द बेड टेबल. तो अंत में उसको बिस्तर के पास जो मेज रखी थी उसके ऊपर कुछ पेपर मिले. एंड सी गैदर्ड दीज, और उनको इकट्ठा किया. एंड टोर देम अप एंड फिल्ड द क्वेश्चन विद द टोर्न पीसीज, और उनको टिनी पीसीज के अंदर फाड़ दिया और जो पीसीज थे उनके साथ क्वेश्चन को भर दिया. अनफॉर्चुनेटली हर एफर्ट्स टू प्लीज हर फादर नॉट ओनली वेंट इन वेन बट ऑल्सो हैड एन अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस. अब क्या हुआ, दुर्भाग्य से जो उसने एफर्ट किए थे फादर को प्लीज करने के, वो व्यर्थ ही नहीं गए बल्कि उसको उसके लिए एक अनएंटिसिपेटेड कॉन्सिक्वेंस बन गया. उसके लिए एक बुरा परिणाम आया. एंड दिस वॉज बिकॉज द सीट्स शी हैड टोन वर हर फादर स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी. क्यों? क्योंकि उसने जो कागज को फाड़ा था, जिन सीट्स को फाड़ा था, वो उसके फादर के द्वारा लिखा गया एक स्पीच था जो कि किसके लिए लिखा गया था, पोर्ट अथॉरिटी के लिए. एंड हर फादर स्कोल्डेड हर फॉर टचिंग थिंग्स. तो उसके पिताजी ने चीज़ों को दैट डिड नॉट बिलोंग टू हर, जो चीज़ उसकी काम की नहीं है, उन चीज़ों को टच करने के लिए चीज़ों को डांटा. एंड पनिश्ड हर बाई हीटिंग हर पाम विद अ रूलर, और एक डंडे के साथ केजिया को उसकी हथेलियों पर मार करके पनिशमेंट दी. तो ये जो क्वेश्चन है वो आपने करने हैं. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. हैव अ गुड डे. स्टे होम, स्टे सेफ.